Hello students, I welcome you to my YouTube channel PPSC Learning. Today I have taken up the chapter 4 of First Flight book. The name of the story is From the Diary of Anne Frank by Anne Frank. In this part of video, I'll explain you the line by line explanation with the difficult word meaning. But as usual, before I start, I just ask you to take a pencil in your hand and open the story in your book and keep noting the difficult words meaning and other important things where you feel like noting them. So before starting the video, I'll ask you to take the pencil and note down the difficult words meaning. Let's start the story. Let's read the story. The title of the story is From the Diary of Anne Frank. Very first, I would like to tell you what is the meaning of diary. Diary is a full record of a journey, a period of time or an event written every day. डायरी क्या होती है? एक पर्सनल एक राइटिंग होती है जिसमें हम अपनी जर्नी के बारे में लिखते हैं, किसी इवेंट के बारे में लिखते हैं या कोई स्पेशल कोई ओकेजन होता है तो उसके बारे में हम लिखते हैं. सो इन दिस स्टोरी द यंग गर्ल नेम्ड एने फ्रैंक सी राइट्स अबाउट हर फीलिंग अबाउट हर means incidents in her life which has taken place in her life. She writes everything about that. Before you read, Annelise Marie Anne Frank was born on 12 June 1929. So she was born on June 12, 1929 को ये birth इन्होंने लिया था. And it is not known, it is not sure that she was died in March or February in 1945. She was a German-born Jewish girl. She was German-born and she belongs to the Jewish legendary. एक Jewish legend से belong करती थी. And she wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. जब नाजीज जो हैं वो जर्मनी में ऑक्यूपाई कर रहे थे, नीदरलैंड में ऑक्यूपाई कर रहे थे इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तब ये लोग क्योंकि वो ज्यूइस को मार रहे थे तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ में ये लोग हाइड कर रहे थे, जगह जगह छुप रहे थे और अपने आप को बचा रहे थे. हर फैमिली हैड मूव्ड इन एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. इनकी फैमिली जो है वो एम्स्टर्डम से जो है जब नाजीज ने वहाँ ऑक्यूपाई कर लिया तो एम्स्टर्डम से वो इनकी फैमिली जो है वहाँ नीदरलैंड से एम्स्टर्डम आ गई अपने आप को बचाव करने के लिए. और क्योंकि वहाँ पर नीदरलैंड में भी जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, वो काफ़ी एरिया को कवर कर रहे थे तो इनको वहाँ से भी भागना पड़ा. एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, क्योंकि वहाँ पर ज्यूस के ऊपर जितना अत्याचार वो कर रहे थे वो दिन प्रतिदिन वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा था, वो कम नहीं हो रहा था. तो ज्यूइश पॉपुलेशन के लिए वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही टफ हो रहा था. द फैमिली वेंट इन टू हाइडिंग इन जुलाई 1942 और ये फैमिली जो है वो जगह जगह छिपती रही जुलाई 1942 तक. इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स फ्रॉम ऑफिस बिल्डिंग और एम्स्टर्डम में वहाँ पे ऑटो फ्रैंक जो कि एने फ्रैंक के फादर हैं वहाँ पे उनका ऑफिस रहता है और वो उसी बिल्डिंग में सारे छुपे रहते हैं. आफ्टर टू ईयर्स इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसनट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एने डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक. और आफ्टर टू ईयर्स इन हाइडिंग, वो दो साल तक लगभग ऐसे ही जगह जगह छुपते रहे, अपने आप को नाजी से बचाते रहे. द ग्रुप वॉज बिट्रेड, लेकिन जो उनका ग्रुप था वो बिट्रेड हुआ, उसको धोखा मिला. एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसनट्रेशन कैंप और फिर नाजीज के द्वारा वो लोग कैप्चर किए गए, फिर उनको कंसनट्रेशन कैंप में भेज दिया गया जहाँ पर एने की जो है टाइफस से डेथ हो गई. और उसके कुछ समय पहले ही उसकी बड़ी बहन मार्गरेट फ्रैंक की भी डेथ हो चुकी थी और उसके कुछ समय बाद जो है एने फ्रैंक की भी जो है डेथ हो गई. हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप और इस ग्रुप में जहाँ पे उसकी मतलब जहाँ पे मदर और उनकी उस एने फ्रैंक की टू सिस्टर्स, उसकी बड़ी सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक, सभी जो है सबकी वहाँ पर डेथ हो जाती, सिर्फ उसके फादर ही एक सर्वाइवर होते हैं, सिर्फ वही जिंदा बचते हैं.
एंड ही रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड. और जब वर्ल्ड वॉर फिनिश होता है, जब ओवर होता है, तो फिर से वापस वो एम्स्टरडैम आ जाते हैं. एंड देयर ही फाउंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. और वहाँ पे पाते हैं कि जो एने फ्रैंक की डायरी है वो बची रहती है. कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड. और फिर वो इस चीज़ को मानते हैं कि जो उसकी डायरी है वो एक यूनिक रिकॉर्ड है, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड ऐसा होता है कि जहाँ पर वो एने फ्रैंक हर एक इंसिडेंट्स के बारे में लिखती है कि उसके साथ क्या क्या जो है अनफेयर चीज़ें हो रही हैं, उसकी फैमिली के साथ में क्या क्या हो रहा है, उन सारे इंसिडेंट्स को वो क्रॉनिकली उसमें नोट डाउन की देती है. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. और जब उसके फादर इस डायरी को पाते हैं तो ये अपने आप को डिटरमाइन करते हैं कि वो इस डायरी को पब्लिश कराएंगे और उस डायरी का वो टाइटल देंगे द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, बिकॉज इट वॉज रिटन बाई एने फ्रैंक एंड सी वॉज बेयरली 12 ईयर्स ओल्ड. वो 12 टू 14 ईयर्स ओल्ड रहती है, इसलिए वो डायरी का टाइटल देते हैं द डायरी ऑफ यंग गर्ल. द डायरी वॉज गिवन टू एने फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. 13 ईयर्स की थी तो जो डायरी थी वो एने फ्रैंक को दी गई थी ऑन हर 13th बर्थडे. उसके 13th बर्थडे पर एज अ गिफ्ट वो डायरी उसको दी गई थी. एंड क्रॉनिकल्स इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1st अगस्त 1944. उसने डायरी में 12 जून से स्टार्टिंग की थी, 12 जून से उसने अपने बर्थडे इवेंट से उसने स्टार्ट किया था. जब उसको बर्थडे पे डायरी मिली तो सी रोट अबाउट हर बर्थडे सेलिब्रेशन, सी राइट अबाउट दैट, उसको उसने लिखा था. और उसके बाद से फिर वो डायरी एंट्री उसने कंटिन्यू रखा टिल 1st अगस्त 1944. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस. इट मीन्स एन फ्रैंक ने जो अपनी डायरी लिखी थी दैट वॉज रिटन इन डच लैंग्वेज, बट लेटर ऑन इट वॉज मीन्स द डायरी वॉज पब्लिश्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स. और एक फिर ये बहुत ही वाइडली, बहुत ही फेमस जो है एक लोगों के बीच में ये आइडेंटिफाइड की गई, जिसको जो है काफ़ी लोगों ने पढ़ा. देर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएटरिकल प्रोडक्शन एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी. उसकी डायरी पे बेस्ड कई सारी परफॉर्मेंसेस भी हुई, स्टेज शो हुए जहाँ पे उस पर बहुत सारी फिल्में बनी. टेलीविज़न पे बहुत सारे जो है ड्रामा और कई सारे सीरियल रिकॉर्ड किए गए. कई सारे थिएटरिकल प्रोडक्शंस हुए, कई सारे थिएटर में जो है उस पर जो है एक स्किट्स बनाई गई. एंड इवन एन ओपेरा, और इवन जो उसकी लाइफ का एक जो इस तरह से स्ट्रगल था दैट वॉज ऑल्सो प्लेड इन ओपेरा. ओपेरा में भी प्ले किया गया बेस्ड ऑन द डायरी. डायरी पे जो भी बेस्ड इवेंट थे उस पर बेस्ड ये सारी चीज़ें की गई. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of a diary of a daily life under Nazi occupation. जैसे कि एन फ्रैंक ने बहुत ही मेच्योरिटी के साथ, बहुत ही जो है एक मेच्योर होकर के, बहुत ही ग्रोन अप होकर के उन्होंने उसने अपने माइंड के जितने भी अच्छे थाटफुल जो आइडियाज़ थे उसने जो है अपने बुक में पब्लिश किया है. और कहीं ना कहीं ये जो हमारी डेली लाइफ होती है, जैसे कि उस समय एन फ्रैंक जो है सी वॉज स्ट्रगलिंग, सी हैड अ फियर फ्रॉम नाजीज़ का जो एक ऑक्यूपेशन था, जो इस तरह से वो ऑक्यूपाई कर रहे थे प्लेसेस को, इस तरह से उसमें काफ़ी ज़्यादा डर था. एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स. और एन फ्रैंक जो है एक ऐसी जो है बहुत ही फेमस जो है एक होलोकास्ट विक्टिम्स बनी. होलोकास्ट मीन्स क्या होता है कि मीन्स अ पर्सन हु फेस अ लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन, मीन्स हु हैज़ अ मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड होलोकास्ट. तो सी वॉज द होलोकास्ट विक्टिम, सी वॉज द विक्टिम ऑफ मैसिव डिस्ट्रक्शन. क्योंकि उसके लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन क्या था कि उसके पेरेंट्स का उससे मतलब अपने पेरेंट्स से दूर जाना और उसके बाद डेथ हो जाना. तो सभी चीज़ें क्या हुई थी, लाइफ में सैटर्ड हो गई थी, कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं थी. तो सी वॉज अ पॉपुलर होलोकास्ट विक्टिम्स, एक बहुत ही मीन सी वॉज अ काइंड ऑफ विक्टिम हु हैड लॉस्ट अ मैसिव प्रॉपर्टी इन वर्ल्ड वॉर. सो सी वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट. इन द नेक्स्ट पेज वी हैव
एन एक्टिविटी, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, डू यू कीप अ डायरी, क्या आप डायरी रखते हैं। गिवन बिलो अंडर ए, अंडर ए में जो है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सम टर्म्स आर गिवन, यूज टू डिस्क्राइब अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उसके लिए रिटन रिकॉर्ड क्या क्या होते हैं उसको यहाँ पर बताया गया है। कैन यू मैच देम विद देयर डिस्क्रिप्शन, अंडर बी, बी में जो है वो जो इधर ए लिस्ट में वर्ड दिए गए हैं उसको फिर आपको मैच करना है विद देयर मीनिंग। यू मे लुक अप द टर्म्स इन डिक्शनरी इफ़ यू विश, और आप डिक्शनरी को भी देख सकते हैं, यहाँ पर डिक्शनरी के लिए जो है अलाउड है। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट ए में लिखा गया है जर्नल, तो जर्नल क्या होता है कि अ फुल रिकॉर्ड ऑफ अ जर्नी, अ पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट रिटन एवरी डे। सो जर्नल मीन्स होता है कि जर्नी का पूरा रिकॉर्ड, जिसमें क्या होता है कि ड्यूरेशन होता है, टाइम का ड्यूरेशन होता है, और एक ये पर्टिकुलर इवेंट होता है, और वी राइट एवरी डे अबाउट इट, दैट्स अ जर्नल। इसका फॉर्मेट भी जो है अभी आपको सेकेंड एक्टिविटी में देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डायरी, सो डायरी दैट्स अ बुक विद अ सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे इन विच यू राइट डाउन योर थाट्स एंड फीलिंग्स और वॉट हैज़ हैपेंड ऑन दैट डे। तो डायरी क्या होता है कि एक तरह की बुक होती है, एक पर्सनल रिकॉर्ड होता है, जिसमें आप सेपरेट पेज में अलग अलग स्पेस दे करके आप पर्टिकुलर डे के बारे में लिखते हैं, पर्टिकुलर इवेंट के बारे में लिखते हैं, और आप अपनी फीलिंग, अपना एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स को वहाँ पे शेयर करते हैं, जो कि बहुत ही पर्सनल होता है, जो उस दिन हुआ रहता है उसके बारे में आप अपनी फीलिंग्स के लिए लिखते हैं। लॉग क्या होता है, लॉग दैट्स अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विद टाइम्स एंड डेट्स यूजली ऑफिशियल। लॉग जो है एक रिटन रिकॉर्ड होता है, उसमें इवेंट्स के रिटन रिकॉर्ड होते हैं, जहाँ पे टाइम भी मेंशन होता है, डेट भी मेंशन होती है, और यूजुअली ये ऑफिशियल किया जाता है। फोर्थ है मेमोयर, मेमोयर दैट्स अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन ओन लाइफ, वो पर्सन की अपनी लाइफ का एक रिकॉर्ड होता है, एंड हिज एक्सपीरियंसेस, और उसके क्या अपने अनुभव रहते हैं वो उसको लिखता है। यूजली इट इज़ डन बाई अ फेमस पर्सन, ये फेमस पर्सन इसको लिखते हैं, जो अपने लाइफ में वो फील किए रहते हैं उसके बारे में वो लिखते हैं। मूविंग टू द सेकेंड एक्टिविटी, हियर आर सम इंट्रीज फ्रॉम पर्सनल रिकॉर्ड्स, यूज द डेफिनेशन अबव टू डिसाइड विच ऑफ द इंट्रीज माइट बी फ्रॉम अ डायरी, अ जर्नल, अ लॉग और अ मेमोयर। अब यहाँ पे जो लाइंस दी गई हैं इसमें आपको जो है सबका फॉर्मेट बताया गया है, आपको पहचानना है कि किसका फॉर्मेट है, मतलब यहाँ पे जो लिखे हुए वर्ड्स हैं वो क्या हैं, वो डायरी है या एक जर्नल है या लॉग है या मेमोयर है। तो ये एक तरह का फॉर्मेट भी आपको देखने को मिल रहा है, जैसे फर्स्ट लिखा गया है, आई वोक अप वेरी लेट टुडे एंड प्रॉम्प्टली गॉट ए स्कॉल्डिंग फ्रॉम मम, आई कांट हेल्प इट, हाउ कैन आई मिस द फीफा वर्ल्ड कप मैचेस। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये क्या है, एक तरह की ये डायरी है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सनल जो है एक फीलिंग को बताया गया, पर्सनल थॉट्स को बताया गया है, और एक मतलब पर्टिकुलर एक इवेंट है जो उसको यहाँ पर शेयर किया गया है। सो इट्स अ डायरी, इट्स अ डायरी एंट्री। द नेक्स्ट इज 10:30 AM वेंट टू द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, 1 PM हैड लंच विद चेयरमैन, एंड 5:45 PM रिसीव्ड राहुल एट द एयरपोर्ट, 9:30 PM डिनर एट होम। सो व्हाट इज़ दिस, इट इज़ लॉग, यहाँ पे क्योंकि टाइम और डेट भी दिया गया होता है कभी कभी, तो जब टाइम और डेट कोई चीज़ बताया जाए और वहाँ पे कोई इवेंट लिखा गया हो तो दैट्स अ लॉग, उसे क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। थर्ड, द राइड टू OT वॉज अनइवेंटफुल, वी रेस्टेड फॉर अ वाइल एवरी 50 किलोमीटर और सो, एंड यूज द टाइम टू कैप्चर द मैग्निफिसेंट लैंडस्केप विद माई हैंडी कैम फ्रॉम OT, वी वेंट ऑन टू बैंगलोर। What a contrast, the noise and pollution of this once beautiful city really broke my heart. So this is the third point and it's a journal. Journal में क्या होता है कि हम अपने journey के बारे में लिखते हैं, and वो एक period of time पे होती है, और वहाँ पे हम event के बारे में लिखते हैं, जब हम journey करते हैं तो उस दौरान क्या क्या होता है उन सारे experiences के बारे में लिखते हैं। तो we are finding this kind of thing in third point, इस third वाले point में हमें ऐसी कुछ चीज़ें दिखने को मिल रही हैं। This is how Raj Kapoor found me all wet and ragged outside RK Studios. He was then looking for just someone like this for a small role in Mera Naam Joker, and he cast me on the spot. The rest, as they say, in history. So this is a memoir. एक memoir है जहाँ पर एक actor जो है
अपने एक्सपीरियंस को उसको यहाँ पे शेयर कर रहा है, वो अपने लाइफ का एक इवेंट यहाँ पे बता रहा है। और ये क्या एक फेमस पर्सन है, तो जब कोई फेमस पर्सन अपने कोई मेमोर, अपने कोई मेमोरी से रिलेटेड, जो उसकी एक बहुत ही एक अच्छी मेमोरी होती है, जब उसको शेयर करता है, दैट्स अ मेमोर। तो इट वॉज द फॉर्मेट ऑफ डायरी, लॉग, जर्नल एंड मेमोर। ओके, नाउ विल मूव टू द स्टोरी। Now the story begins from page number 50. Here, before reading the story, I would like to tell you that this story is an excerpt of her diary. ये इनकी डायरी की एक घटना इसमें बताई गई है। इसमें इन्होंने अपने पूरे लाइफ के बारे में नहीं दिया है। The story starts from here. Writing in her diary is really a strange experience for someone like me. Anne Frank here says that writing in a diary, कि डायरी में लिखना, ये सचमुच एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस होता है, एक बहुत ही अद्भुत उनका एक्सपीरियंस है। फॉर समवन लाइक मी, कोई भी, मतलब जैसे कोई भी अगर डायरी को लिखता है, तो एक बहुत ही अद्भुत जो है, एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है, उसका अनुभव जो होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। तो इसको एने फ्रैंक बताती हैं। ऐसा वो क्यों कह रही हैं, क्योंकि एने फ्रैंक फील्स राइटिंग अ डायरी वॉज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। ये उनके लिए जो है बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। सी हैज़ नेवर अटेम्प्टेड इट अर्लियर, क्योंकि इसके पहले उन्होंने शायद लिखा नहीं है, इसलिए उनके लिए क्या है, बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, और ये कहती हैं खाली इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने जो है कभी पहले नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. Musing means क्या होता है कि thoughts, whatever she reflects in this diary, in this piece of diary. तो यहाँ पे क्या है कि लोग मतलब इसलिए भी नहीं, मतलब इसलिए भी उनको strange feel नहीं होता है क्योंकि उन्होंने पहले कभी लिखा नहीं है, बल्कि ये भी होता है because it seems to me, क्योंकि इनको भी ये लगता है that later कि बाद में ऑन नीदर आए, मतलब इवन इन्हें भी, जैसे इन्होंने कुछ डायरी में लिखा है तो इनको भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो फील नहीं होगा जो भी कुछ डायरी में लिखा होगा, और ना ही किसी और को, नीदर आए नॉर एनी वन एल्स, ना और कोई विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल, जो मतलब एक 13-year-old गर्ल के जो थाट्स हैं जो उसने डायरी में लिखे हैं, तो उसको देखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए कोई, ना तो एने को ही जो है बाद में इंटरेस्ट रहेगा, और ना ही जो रीडर्स हैं या और कोई लोग हैं उसकी डायरी को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होंगे कि 13 इयर्स की गर्ल जो है वो क्या लिखती है। तो उसकी लिखी हुई चीज़ों पे कोई भी पढ़ने बहुत इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि सबकी पर्सनल डायरी है, कोई बहुत ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो यहाँ पे एने कहती हैं कि कुछ समय बाद यह भी होगा कि जो है एने फ्रैंक को खुद भी इंटरेस्ट नहीं होगा, और ना ही और कोई भी जो है इंटरेस्ट लेना चाहेगा एक 13-year-old girl की जो है जो थॉट्स दिए गए हैं, लिखे गए हैं, उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, लेकिन चलो बढ़िया है, इसका इससे उसका कोई मतलब नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, उनका लिखने का मन है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और यहाँ पे क्या है कि ये एक फ्रेज है, टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, इट मीन्स क्या होता है, दिल की बात को शेयर करना। सो सी इज फीलिंग टू एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग हर दैट सी वॉन्टेड टू से। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसी चीज़ है, ओ वेल इट डजेंट मैटर, मतलब लेकिन कोई बात नहीं, अगर इनको ये लगता है कि इनको लिखना चाहिए और इनको ये चाहिए कि जो है ये अपनी बात किसी से बताएं, किसी से शेयर करें, तो ये ज़रूर उसको लिखेंगी और अपनी वहाँ पर दिल की बात, जो भी इनके साथ हो रहा है, जो भी इनकी वरीज़ है, जो भी इनकी चिंता है, या जो भी इनके साथ सफरिंग्स हैं, जो भी ये वहाँ पर फील कर रही हैं, जितनी भी जो है सफरिंग्स हैं, उन सारी चीज़ों को ये डायरी में ही शेयर करेंगी, इसलिए जो है अपनी दिल की बात को डायरी में कहना चाहती हैं। आगे कहती हैं, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, ये एक तरह का सेइंग है, मतलब एक कहावत है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कि जो पेपर होता है, पेपर क्या है, लाइफलेस चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इट हैज़ मोर पेशेंस, इसके पास धैर्यता ज़्यादा होती है दैन पीपल, लोगों के कंपेरिजन में। ऐसा क्यों कहती हैं, क्योंकि लोग जो हैं, जैसे कभी उनको अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए तो शायद हो सकता है दे विल प्ले अ जोक ऑन यू, वो उनको जोक लगे या बहुत सीरियस ना लें, या कुछ देर बाद वो बोर हो जाए, कोई सुने ना,
तो ये क्या होता है कि लोगों के अंदर पेशेंस कम होता है, लेकिन पेपर में कुछ भी जो भी मन का है उसको आप लिख सकते हैं, कुछ भी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एने कहती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। पेपर के पास जो है मतलब कागज़ में क्या होता है उसके अंदर धैर्यता ज़्यादा होती है, उस पर कुछ भी आप लिख दो, कितना भी अपनी चीज़ों को बता दो, वो कभी बोर नहीं होगा, उसको कोई चीज़ ख़राब नहीं रही, उसके अंदर कोई ऐसे इमोशंस नहीं होते हैं कंपेरेटिवली टू पीपल। आई थॉट ऑफ दिस थिंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स बोर्ड एंड लिस्टलेस वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। और ये थॉट उनके अंदर तब आया जब उन दिनों क्या था कि सी वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड, वो क्या थी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, एंड वो सिटिंग एट होम, वो अपने घर पे बैठी हुई रहती थी विद हर चिन इन हर हैंड्स, अपने चिन को जो है अपने ठोड़ी को जो है हाथ में से रख करके तो सोचती रहती थी। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक पॉस्चर बताया गया है बॉडी का, जहाँ पर बताया जा रहा है कि एने जो है बहुत ही ज़्यादा वो डिप्रेस थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, और वो दिन भर सोचा करती थी, और उनके पास कोई भी ऐसा मतलब नियर वन या डियर वन या कोई फ्रेंड्स नहीं था जिससे वो अपनी बातों को बता सकें। सी वॉज फीलिंग बोर्ड, बहुत ही उनको बोर लगता था, एंड लिस्टलेस, एंड सी फील दैट सी हैज़ नो एनर्जी और इंटरेस्ट इन हर सराउंडिंग। उनको ऐसा लगता था कि जो भी मतलब जहाँ वो रह रही हैं अपने आसपास, उनको बिल्कुल अपने आसपास की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था, बहुत इनको बोर सा फील होता था, बहुत दुखी रहती थी, एंड वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और बिल्कुल एकदम परेशान रहती थी कि उनको घर में रहना है कि उन्हें बाहर जाना है, इसके लिए एकदम वो परेशान रहती थी, क्योंकि बाहर नाजीज जो थे, जो हिटलर के जो फॉलोअर्स थे, वो सब जो है ज्यूस को मार रहे थे, तो इसलिए जो है वो बाहर भी नहीं जा सकती थी। तो सी वॉज वेरी पजल्ड। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, एंड सिंस आई एम प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। तो ब्रूडिंग मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि ब्रूडिंग मीन्स होता है थिंकिंग, सोचना, और मीन्स वेन यू आर स्पेशली इंगेज्ड इन डीप थॉट ऑफ समथिंग, सो देन यू आर ब्रूडिंग। एंड इसमें क्या होता है कि इसका जो रिजल्ट होता है ब्रूडिंग, मतलब ऐसा सोचना जिसमें आपको एक नाराज़गी हो, एक गुस्सा भी आए, तो सी वॉज ब्रूडिंग। तो यहाँ पे क्या है कि आई फाइनली स्टेड, इसलिए घर में ही रुक गई, बाहर नहीं गई, क्योंकि बाहर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है रिस्क था, वहाँ पर ज्यूस को मारा जा रहा था। तो सी वॉज ब्रूडिंग, इन सब चीज़ों को डीपली वो सोच रही थी, और उस पर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, और नाराज़ भी थी इन सब चीज़ों से। लेकिन यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, तब इन्होंने माना कि हाँ बिल्कुल पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है, उसके अंदर ज़्यादा धैर्यता होती है, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, जैसे कि ये प्लान भी कर रही हैं, ऐसी इनकी योजना है, ऐसा ये सोच रही हैं कि जो है कोई भी इनकी डायरी को नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, तो दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, तो ये जो जिसका नोटबुक का जो कवर है जो बहुत ही स्टिफ मतलब बहुत ही हार्ड है, उसका जो बैक है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कड़ा है, और ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, ये जो है ग्रैंडली यहाँ पे इन्होंने क्यों बोला, बिकॉज सी फील्स द डायरी, सी फील्स डायरी इज इन अ वेरी प्राउड वे, बहुत ही वो उसे प्राउड मैनर में जो है डायरी को मानती हैं कि उसका जो स्टिफ बैक मतलब वो काफ़ी कड़ा है, वो काफ़ी हिम्मती है, काफ़ी जो है उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए कैपेबल है, डायरी में कुछ भी लिख सकती हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि डायरी जो है वो ग्रैंडली रेफर टू एज अ प्रोबेबली वोंट रेफर टू एज अ डायरी, और इस जो ये कड़ी और बहुत ही जो है ग्रैंड है, जो मतलब बहुत ही अच्छी है, वो क्या है डायरी, उसको डायरी बोलते हैं, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक इनको कोई नया अच्छा जो है एक सच्चा दोस्त नहीं मिलता तब तक इनकी डायरी ही फ्रेंड है, इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई मतलब अंतर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर डायरी को ये अपना फ्रेंड समझती हैं, उससे हर बात उसमें लिख रही हैं, तो डेफिनेटली डायरी वो कोई चीज़ ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं करने वाली, कुछ रिबेल नहीं करने वाली है इनकी लिखी हुई चीज़ों पे, वो डायरी कुछ जो है डायरी को कुछ ख़राब नहीं लगने वाला है, तो डायरी भी एक अच्छा फ्रेंड होने वाला है, जहाँ पर वो अपनी पर्सनल चीज़ों को जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं उसको वहाँ पर लिख पाएंगी, शेयर कर पाएंगी। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary. In the first place, I don't have a friend. अब जो है इनको उस पॉइंट पर, इनको इस उस बिंदु पर वापस आना है that prompted me to keep a diary. जो इनको जो है
काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है, जो इनको प्रॉम्प्टेड मतलब जो काफ़ी इनको उकसाता है टू कीप अ डायरी, की अपने पास एक डायरी रखें इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले उनके पास एक डायरी होनी चाहिए, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि इनके पास कोई फ्रेंड नहीं है। तो जब किसी के पास फ्रेंड नहीं होता, जहाँ पर वो किसी से बात नहीं कर पाता है, तो उसकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा लिस्टलेस हो जाती है। तो इसीलिए जो है एक फ्रेंड का होना या कोई ऐसा होना जिससे हम अपनी बातों को शेयर कर सकें, तो उससे क्या होता है कि जो एक दिल होता है वो हल्का होता है और मतलब एक जो है सपोर्ट मिलता है। तो इसीलिए इन्होंने सबसे बेस्ट ऑप्शन को लगा कि डायरी इज़ द बेस्ट फ्रेंड, डायरी एक अच्छा फ्रेंड है जहाँ पे अपनी सारी चीज़ों को शेयर करेंगे। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, यहाँ पर वो एक बात एकदम साफ साफ कहना चाहती हैं कि सिंस नो वन विल बिलीव, जिसको जो है कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल की एक 13 साल की बच्ची इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि इस पूरे संसार में वो क्या है अकेली है। एंड आई एम नॉट, लेकिन अब नहीं है वो, आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 ईयर ओल्ड गर्ल एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। लेकिन वो अलोन है, लेकिन नहीं है, इतने सारे लोग हैं, आई हैव लविंग पेरेंट्स, इसके बहुत अच्छे पेरेंट्स इसके साथ में हैं, इसके बहुत ही मतलब जो बहुत ही लविंग है, बहुत ही अफेक्शनेट है, जिनको जिससे इनको काफ़ी स्नेह मिलता है, वो उसके साथ में उसके पेरेंट्स, 16 ईयर ओल्ड सिस्टर और उसकी 16 साल की बहन मतलब उसकी एल्डर सिस्टर है उसके साथ में। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और उस जहाँ जिस एनेक्स में वो लोग रहते हैं, जिस बिल्डिंग में वो लोग रहते हैं, वहाँ पे लगभग 30 लोग और भी रहते हैं जिसको ये फ्रेंड्स कह सकती है। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, उसके पास एक अच्छी फैमिली है जहाँ पे बहुत सारी आंट्स हैं एंड अ गुड होम, एक अच्छा घर है। नो ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऑन द सर्फेस मीन्स क्या होता है, अपेरेंटली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से, तो इतने सारे लोग हैं, पेरेंट्स हैं, सिस्टर है और जो है आंट्स हैं, कजिन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो ये एक अपेरेंटली जो है ऐसा सब कुछ दिखाई दे रहा है कि सब कुछ है, सीम टू हैव एवरीथिंग, सारी चीज़ें, बट एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन उसमें से कोई भी एक ऐसा सच्चा दोस्त नहीं है जिससे एने जो है अपनी बातों को शेयर कर सके। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग गुड टाइम, और ये जो है जो भी इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचती है, ऑल आई थिंक अबाउट मतलब जो इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचती है, व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब भी अपने एक सच्चे दोस्त के साथ में होती है, इज हैविंग अ गुड टाइम, तब इसके पास एक बहुत अच्छा समय होता है। इट मीन्स क्या होता है कि वो अपने फ्रेंड्स जो उसके फ्रेंड्स होते हैं जिससे वो दोस्ती करती है, उसके साथ ज़्यादा वो कंपैटिबल है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, और अपनी बातों को शेयर करने में काफ़ी ज़्यादा उसे वहाँ पर ईजी फील होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ ने हमें ये बताती है कि उसके पास सारे लोग हैं, लेकिन होते हुए भी वो क्या है, लोनली फील कर रही है, तो बहुत ही लोनली है, इतने सारे लोग हैं लेकिन किसी का उससे बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, और ना ही वो उन सब के साथ में बहुत ही इजी फील करती है अपनी बातों को कहने के लिए। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ to talk about anything but ordinary everyday things, we don't seem to be able to get any closure and that's the problem. I can't bring myself, ये जो है कभी भी जो है इस तरह से उन लोगों से बात नहीं कर पाती है। I can't bring myself to talk about anything, वो किसी चीज़ के ऊपर जो है कभी भी वो बात नहीं कर पाती, but ordinary everyday things, लेकिन जो everyday चीज़ें होती हैं मतलब एक common चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ordinary, बहुत ही सामान्य होती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करती है, लेकिन कभी अपनी दिल की बातों को वो किसी से नहीं कह पाती है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और ये कभी ऐसा लगता भी नहीं है कि कोई उसके इतने करीब आएगा, और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको कभी ये फील नहीं होता कि कभी इतना भी कोई उसके करीब आएगा जहाँ पर वो अपनी बातों को कह सके। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, शायद ही उसकी एक गलती भी हो सकती है, दैट वी डोंट कन्फाइड, कि इनको जो है कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए, इन ईच अदर में अपने आपस में एक दूसरे से जो है कोई भी बात छुपाना नहीं चाहिए। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, इन एनी केस और किसी भी परिस्थिति में दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, जैसे कि जो चीज़ें हैं उन लोगों के साथ में, जो चीज़ें उनके साथ में हो रही हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली और दुर्भाग्यवश दे आर नॉट लायबल टू चेंज,
दे नॉट लाइबल टू चेंज, मतलब जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो उसके साथ में रहते हैं, वो उसको उसको बदलने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है कि जो एनए के साथ में हो रहा है कि वो लोग कुछ चेंज कर सकें, तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है ना उन चीज़ों को, मतलब जो भी परिस्थितियाँ, जो एक बुरी परिस्थितियाँ उसके साथ में हैं उसको लाने के लिए भी वो फैमिली मेम्बर्स और जो उसके रिलेटिव्स हैं ना उसके लिए वो जिम्मेदार हैं और ना उसको चेंज करने के लिए वो जिम्मेदार हैं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही एक रीज़न है जब उसको लगा कि वो बिल्कुल अलोन है, बिल्कुल लोनली है वो, तभी उसने लिखना शुरू कर दिया। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in the diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. To enhance, इसको जो है और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, मतलब अपने डायरी को जो है उसको लिखने से पहले ये जो उसका लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड था जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी, बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, तो इस अपने रियल फ्रेंड को मतलब उस पर कुछ लिखने से पहले, इन माई इमेजिनेशन मतलब अपनी कल्पनाओं को उस पर लिखने से पहले, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, वो खाली उन मतलब सही जो चीज़ें हैं जो उसके साथ में हो रही हैं खाली वो वही लिखना नहीं चाहती है द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसे कि लोग अक्सर किया करते हैं कि वो तुरंत जो है लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्या करती है, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन वो डायरी को अपना फ्रेंड बना रही है, अपना दोस्त बना रही है, इसलिए वो अपने फ्रेंड का एक उसने नाम रखा है जिसका उसने डायरी का नाम क्या बताया, किटी। वो डायरी को प्यार से किटी बुलाएगी और उसको जो है वो अपनी सारी चीज़ें, मतलब एने जो है कि यहाँ पर सी इज़ प्रोवाइडिंग अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज इट गिव्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। तो जो उसकी लाइफ के इवेंट को लिखने वाली है वो इसलिए जो है अपने एक ब्रीफ कर रही है उसको, अपने लाइफ के कुछ चीज़ों को जैसे अपने फैमिली के बारे में बता रही है, सी इज़ हाईलाइटिंग हर डियर फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स एंड हर एज, वो सी इज़ टेलिंग हर एज ऑल्सो। सो ये क्या कर रही कि एक डायरी को जो है वो अपना एक मतलब एक फ्रेंड मान रही है, और जहाँ पे सी इज़ डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द डायरी, वो अपने डायरी से जो अपना एक स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप बाउंड कर रही है। और एज वेल एज जो रीडर है, मतलब जैसे कि हम लोग उसके डायरी के इवेंट को रीड करने जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमें उसकी कोई भी घटना अगर वो लिखेगी किसी दिन की, क्योंकि डायरी में हम लोग क्रॉनिकल डे वाइज चीज़ों को जो है नोट डाउन करते हैं जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम किसी की डायरी को पढ़ते हैं तो उसकी एक उसकी लाइफ का जो एक ब्रीफ जो है अकाउंट हमें जानना ज़रूरी होता है कि उसके साथ में कौन था, उसके फैमिली मेम्बर्स कौन थे, तो ये जो हाईलाइट्स हैं लाइफ के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे क्या होता है कि लोग कनेक्ट हो पाते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या करी कि जो एने है वो किसी भी इमेज को आगे बढ़ाने से पहले, जो उसकी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड थी डायरी, जो उसकी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड थी, जो उसकी इमेजिनेशन उसकी कल्पनाओं में है, वो उसको डायरेक्ट और लोगों की तरह से लिखना शुरू नहीं करना चाहती, बल्कि वो उसे अपना फ्रेंड बना करके उसको सारी चीज़ें बताना चाहती है। और उसने उसका नाम भी रखा है जो उसको जो जब वो लिखेगी तो उसको वो किटी नाम से बुलाएगी। हियर थ्री क्वेश्चंस आर गिवन ऑन पेज नंबर 51 हियर, सो विल ट्राई टू आंसर दीज ऑल द क्वेश्चन एज होमवर्क। आज होमवर्क में हम लोग इन तीनों क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अभी हम लोगों ने जो है रीड किया है कि व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एने फ्रैंक, क्या चीज़ें मतलब डायरी में लिखना जो है क्यों जो है मतलब क्या जो है उसको लगता है कि ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है फॉर एने फ्रैंक, मतलब डायरी में लिखना एने फ्रैंक को क्यों लगता है कि ये जो है ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, तो इसको ऐसा क्या फील कराता है जिससे उसे लगता है कि डायरी में लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है, एने क्यों ऐसा फील करती है कि डायरी में लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, तो उसको क्या चीज़ें हैं जो उसको ये सोचने के लिए मजबूर करती है। व्हाई डज एने वॉन्ट टू कीप अ डायरी, एने जो है डायरी क्यों रखना चाहती है। व्हाई डिड एने थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, और एने को ये क्यों लगता है कि डायरी में कोई बात लिखना या बताना ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा अच्छा होता है कंपैरेटिवली टू द पीपल, क्योंकि उसने कहा ना कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस, और इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेस्ड होते हैं, इस सेइंग का यूज करके जो है काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि जो है क्यों जो है एने सोचती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, तो ये थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा क्यों सोचती है कि जो है पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल।
let's go further. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Since no one would understand a word of my story, जैसे कि उसके जो स्टोरी, जो वो कहानी लिखने वाली है, जो भी इवेंट यहाँ पे शेयर करने वाली है डायरी में, तो कोई इस बात को समझेगा नहीं और इसीलिए वो जो है उस स्टोरी को डायरेक्ट किटी, इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, तो वो प्लंज मीन्स क्या होता है, कूदना, जंप करना, टू स्टार्ट समथिंग डायरेक्टली, कोई चीज़ जो है डायरेक्टली स्टार्ट करना, तो जैसे कि जो है कोई उसकी बातों को, उसकी उसकी जो भी इवेंट वो लिखेगी, अगर वो अचानक से कोई चीज़ लिखना उसने शुरू कर दिया तो कोई भी उसकी बातों को समझ नहीं पाएगा, इसलिए वो सिस्टमैटिक वे में वो चाहती कि एक मतलब एक अच्छा तरीका है कि वो अपने लाइफ का एक ब्रीफ स्केच, अपने लाइफ के बारे में एक शॉर्ट जो है एक हाइलाइट्स वो शेयर करे, जिससे जो है लोग उसको समझ पाएँ. एंड मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जैसा कि वो डायरेक्ट वो उसको लिखना अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए वो सी वॉन्ट्स टू प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज इट गिव्स अ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट हर. वो उसके बारे में एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देगा एंड सी हाइलाइट्स अबाउट हर फैमिली मेम्बर्स इन दैट, एंड सी टेल्स अबाउट द रिलेटिव एंड हर एज, वो अपनी सारी चीज़ों को वहाँ पे शेयर करती. तो दिस सपोर्ट्स द रीडर टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द राइटर वाइल रीडिंग द टेक्स्ट. तो इससे क्या होगा कि जो भी उसके टेक्स्ट को पढ़ेगा, जो डायरी में उसने लिखा है, इससे एक बॉन्डिंग होगी, लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे. My father, the most adorable father I have ever seen. वो कहती है उसके फादर जो है, ही इज़ द मोस्ट, वो सबसे लविंग फादर है आई हैव एवर सीन, जितना कि उसने देखा है. उसके फादर बहुत ही लविंग हैं उसके लिए. एंड ही डिड नॉट मैरी हर मदर, ही डिड नॉट मैरी हर मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25. और उसके पिता ने उसकी माँ से जो है, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो सेंटेंस का यूज़ किया गया है, अगर उसके हम लोग वर्ड मीनिंग पे जाएं तो काफ़ी जो है वो मतलब ऑड लग रहा है. इसको हम ये कह सकते हैं कि उसके पिता ने जो है, जब उसकी माँ जो है 25 की हो गई थी और उसके पिता 36 थे, तब उन दोनों की मैरिज हुई. तो दोनों की मैरिज कब हुई, जब उसके पिता जो है 36 के थे और उसकी माँ जो है 25 की थी. माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926. और उसकी सिस्टर मार्गरेट जो है, सी टुक बर्थ इन 1926, वो 1926 में बॉर्न हुई इन फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मनी में है. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. और इसका जन्म कब हुआ, 12 जून को हुआ 1929 में. आई लिव्ड अंटिल आई वॉज 4, जब ये चार साल तक जो है वहाँ पर फ्रैंकफर्ट में रही. माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. और फिर उसके पिताजी वहाँ से जो है हॉलैंड गए इन 1933 में. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, और उसकी माँ जो है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर. वो भी जो है, मतलब उसकी माँ भी जो है उसके पिता के साथ में गई हॉलैंड इन सेप्टेम्बर में. वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विथ आर ग्रैंड मदर. और जबकि मार्गरेट, मतलब उसकी बड़ी बहन, और एन ए फ्रैंक, दोनों को कहाँ भेजा गया, आचेन भेजा गया टू स्टे विथ देयर ग्रैंड मदर, कि वो दोनों कहाँ रहें, अपनी ग्रैंड मदर के साथ में. मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. मार्गरेट जो है दिसंबर में हॉलैंड गई. एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी. और उसी के जस्ट बाद जो है, मतलब पहले मार्गरेट जो है वहाँ आचेन से जो है हॉलैंड गई अपने माता पिता के पास. तो और तब तक जो है ये जो है एन ए फ्रैंक जो है वो जनवरी और फेब्रुअरी 2 मंथ्स जो है वो अपने ग्रैंड मदर के साथ में अकेले रहीं. मतलब 2 महीने के बाद जो है ये भी जो है अपने पेरेंट्स के पास गईं. When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. और when I was plunked, जब ये क्या होगा कि plunked down means यहाँ पे क्या होगा कि that's an informal word, put down in a casual way. तो ये जब क्या हुआ कि on the table as a birthday present for Margaret, जब इन्होंने जो है birthday एक present दिया, मतलब Margaret को एक birthday present दिया, तो ये वहाँ पे मतलब उसके बर्थडे पे गई. ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, ये एज अ प्रेजेंट जो है, एज अ, जैसे क्या होता है कि किसी का आना भी जो है एक उपहार के बराबर होता है. तो जब मार्गरेट का बर्थडे हुआ, तब ये हॉलैंड जो है आचेन से जो है फिर हॉलैंड गई एज अ प्रेजेंट. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. और इन्होंने जो है अपनी स्कूलिंग जो है एक जो इनकी स्कूलिंग है, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. तो इन्होंने जो इनकी एक
स्टडी है वो एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से शुरू हुई। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6 और ये उस स्कूल में जो है जब तक ये 6 ईयर्स की हो गई तब तक उस स्कूल में इन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की। एंड विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ये फर्स्ट में 6 ईयर्स के बाद ये क्लास फर्स्ट में गई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस क्यूपरस और जब ये 6 ईयर्स की थी तब इनकी क्लास टीचर कौन थी? मिसेस क्यूपरस थी, द हेड मिस्ट्रेस। ओके, वो क्लास टीचर नहीं थी बल्कि हेड मिस्ट्रेस थी, वहाँ की प्रिंसिपल थी। तो मिसेस क्यूपरस जो है इनकी प्रिंसिपल थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल और जब ये 6 साल की हो गई थी तब इनको जो है वहाँ से आचेन से जो है इनको जाना पड़ा। कहाँ पे? हॉलैंड। तो जब ये वहाँ से जा रही थी तो उस फेयरवेल टाइम पे जब ये जो है वहाँ से डिपार्ट कर रही थी तो दोनों ही टीयर्स में थे, मतलब इनकी जो प्रिंसिपल क्यूपरस थी वो और एने फ्रैंक दोनों जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैड थे एंड दे वर बीपिंग एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। इन द समर ऑफ 1941 जब 1941 का जब समर आया उस गर्मी के दौरान जो है उनकी ग्रैंडमा जो है बीमार पड़ गई और उनको एक ऑपरेशन उनका हुआ, इसलिए जो एने फ्रैंक का बर्थडे जून में जो था क्योंकि समर जो है जून में ही था तो उस समय जो एने फ्रैंक का जो बर्थडे था दैट पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, उसका सेलिब्रेशन बहुत ही ग्रैंड नहीं हुआ, बस थोड़े बहुत जो है थोड़ा सा सेलिब्रेशन हुआ, बहुत अच्छे से नहीं मनाया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और ग्रैंडमा जो है वो जनवरी के 1942 में जनवरी में उनका देहांत हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, किसी को ये बात पता नहीं थी कि वो कितना ज़्यादा एने फ्रैंक जो है अपनी दादी को मिस करती, कितना उनको वो चाहती है और अभी भी उनके बारे में सोचती, अभी भी उनके लिए वो काफ़ी परेशान रहती है। इट मीन्स क्या होता है, एने फ्रैंक जो है किसी से शेयर नहीं करती थी, उसके अंदर जो भी फीलिंग होती थी, जो भी उसे दुख होता था वो किसी से कहती नहीं थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। ये जो उसका उस साल जो बर्थडे का सेलिब्रेशन हुआ इन 1942 में, 1941 में बीमार हुई थी ग्रैंडमा तब भी सेलिब्रेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन 1942 में जब सेलिब्रेशन होने को था तब जो है ग्रैंडमा की डेथ हो गई। तो इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक, इंटेंडेड मीन्स क्या होता है, प्लान किया गया था टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमा कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। तो जो बर्थडे की एक फेस्टिविटी थी 1942 की जो इन्होंने प्लान किया था कि जो है इस बार एने फ्रैंक का अच्छा बर्थडे होगा, लेकिन हुआ क्या कि ग्रैंडमा की डेथ हो गई तो वहाँ जो है ग्रैंडमा की जो है जो कैंडल थी वो ज़्यादा वो उसको जो है लिट किया गया, उनके लिए जो है मतलब एक कंडोलेंस मनाया गया विद द रेस्ट, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, एने फ्रैंक का बर्थडे नहीं बल्कि ग्रैंडमा का कंडोलेंस मनाया गया जून, मतलब उसके बर्थडे के मंथ में। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। द फोर ऑफ अस, अब बचे जो उसके फैमिली में क्या है, उसके पेरेंट्स हैं और उसकी बड़ी सिस्टर और वो, तो जो उसके चार मेंबर हैं उसके फैमिली में, दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, उन सब के साथ में वो आज 20 जून 1942 को सभी जो है वो चारों साथ में हैं। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और यहाँ पे वो क्या है कि बहुत ही सीरियस है, सी इज़ टोटली डिवोटेड, सी हैज़ अ मींस कमिटमेंट ऑफ हर डायरी। अब वो अपने डायरी के लिए कमिटेड है, वो जो भी कुछ बात करेगी वो अपने डायरी में ही शेयर करेगी, तो अब वो अपने डायरी के लिए कमिटेड है। यहाँ पे और एक टू क्वेश्चंस दिए गए हैं, हियर द कपल ऑफ क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस आर हियर, व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, वो अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त विवरण क्यों देती है। द सेकेंड क्वेश्चन इज हियर, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर, आपको कैसे ये पता चलता है, कैसे ये लगता है कि एने जो अपने ग्रैंड मदर को बहुत ही ज़्यादा मिस करती है, बहुत ज़्यादा चाहती है, किस बात से आपको ये पता चलता है। सो दीज आर द कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट आगे जो है एक बहुत ही इंटरेस्टेड इवेंट जो है एने शेयर करने वाली है और जो उसकी स्कूल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो अभी तो ये हम लोगों ने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाना है एने की, कि उसकी फैमिली में कौन कौन था, एने उसको शेयर करती है और आगे जो है वो अपने लाइफ का एक बहुत ही एक रोचक घटना बताती है कि उसके साथ क्या होता है स्कूल लाइफ में, तो वो अभी यहाँ पे शेयर करेगी जिसको हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में जो है पढ़ेंगे। अभी जो है यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।